हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक त्रिपाठी और मैं हूँ आज फिर से आप सभी के सामने एक नए वीडियो के साथ। यह वीडियो हमारे चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट 6 है। इसके पहले के वीडियोस में हमने न्यूरॉन के बारे में, इम्पल्स के बारे में, ब्रेन के पार्ट्स के बारे में, फोर ब्रेन और उसके फंक्शन के बारे में पढ़ा है। आज हम अपने ब्रेन को कंप्लीट करेंगे, ब्रेन के बारे में जानना कंप्लीट करेंगे, यानी कि मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, यानी कि मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके पहले के जो लेक्चर्स हैं प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जैसा कि मैं हर वीडियो के पहले बोलता हूँ, प्लीज़ उन वीडियोज़ को एक बार ज़रूर देखिएगा और उसके बाद यहाँ तक पहुँचिएगा। ठीक है, अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे सर्वप्रथम मिड ब्रेन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे जी? मिड ब्रेन के बारे में। देखिए, मिड ब्रेन मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था, दिखाने की कोशिश की थी कि ये जो दिख रहा है ना आपको, ये कुछ यहाँ तक का हिस्सा इतना, ठीक है, ये यहाँ कहीं पर आपको मिड ब्रेन देखने को मिलेगा। रुकिए, ये यहाँ कहीं पर, ये थोड़ा सा हम यहाँ पहुँच गए थे, ये वाला जो है हाइपोथैलेमस है, इतना हिस्सा जो है हाइपोथैलेमस है। तो मैं इसको दूसरे कलर से मार्क करता हूँ। हाँ, ये वाला हिस्सा जो है यहाँ कहीं पर मिड ब्रेन आएगा। ठीक है, अब ये हिस्सा मिड ब्रेन का होता है, बहुत छोटा सा हिस्सा होता है। ठीक, अब ब्रेन स्टेम, एक वर्ड आपने सुना होगा, यहाँ पर लिखा हुआ भी है ब्रेन स्टेम। ठीक है, अब ये ब्रेन स्टेम क्या होता है? ब्रेन स्टेम का मतलब होता है इतना पार्ट। देखिए, इसको ब्लू कलर से देखिए, ये वाला हिस्सा, इतना पार्ट, इसको ब्रेन स्टेम कहते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, ये इतना पार्ट, इसको ब्रेन स्टेम कहते हैं। तो अगर आप इसको देखें तो देखिए, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एक स्टेम है, तना है, और उसके ऊपर एक बड़ा सा पेड़ लगा हुआ है। ये कुछ इस तरीके से दिखता है, ये ऐसा टाइप का दिखता है, ये स्टेम जैसा स्ट्रक्चर और इसके ऊपर ऐसा बड़ा सा पेड़ लगा हुआ है, ऐसा दिखता है। ठीक है, तो ये स्टेम वर्ड हो गया। हाँ, क्यों? क्योंकि ये स्टेम जैसी संरचना है जो कि एक आधार देता है, बेस देता है, जिसके ऊपर ब्रेन जो लाई करता है, टिका हुआ होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको ब्रेन स्टेम कहते हैं। अब इस ब्रेन स्टेम में आपको हाइंड ब्रेन के दो पार्ट, मेड्यूला और पॉन्स आएंगे, और इसके साथ आएगा मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन जो होता है वो ब्रेन स्टेम का पार्ट होता है। ब्रेन स्टेम एक तो एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन इसलिए भी है क्योंकि ब्रेन स्टेम जो होता है वो मोस्ट ऑफ द लाइफ प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है। ठीक है, आपकी बॉडी में बैलेंस बनेगा या नहीं बनेगा, आपकी बॉडी में हार्ट बीट चलेगी, रेस्पिरेशन होगा, डाइजेशन होगा, आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करेगी, ये सारी चीज़ें जो होती है वो कहाँ से कंट्रोल होती है? ब्रेन स्टेम वाले इन पार्ट्स में से ही कंट्रोल होती है। ठीक है, तो ब्रेन स्टेम इंपॉर्टेंट होता है और ब्रेन स्टेम का हिस्सा होता है मिड ब्रेन। ठीक है, अब आपको पता होगा कि मिड ब्रेन में दो मेन हिस्से मैंने बताए थे। एक का नाम बताया था क्रूरा सेरिब्री, और एक का नाम मैंने बताया था कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना, कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना। ठीक है, तो मिड ब्रेन के दो मेन हिस्से होते हैं, मेजर पार्ट होता है क्रूरा सेरिब्री और कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना। ठीक है, अब क्रूरा सेरिब्री क्या है? क्रूरा सेरिब्री इज कॉम्प्लेक्स नर्व क्लस्टर। क्रूरा सेरिब्री जो होता है वो न्यूरॉन का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। इसका काम होता है राइट हेमिस्फीयर को लेफ्ट हेमिस्फीयर के साथ जोड़ना या उनमें इंपल्स कैरिंग बिटवीन टू हेमिस्फीयर्स। ब्रेन के दो हेमिस्फीयर के बीच में इंपल्स को कैरी करने का काम होता है किसका? क्रूरा सेरिब्री का। ठीक है, कॉर्पस कोलोसम जो होता है वो दोनों ब्रेन पार्ट को जोड़ता है।
ठीक है, कॉर्पस कॉलोसम वाला हिस्सा जो है वो ब्रेन पार्ट को जोड़ता है, बट अगर राइट ब्रेन से कोई इन्फॉर्मेशन को लेफ्ट ब्रेन की तरफ लेके आना है, लेफ्ट ब्रेन से राइट ब्रेन, तो वो हिस्सा, वो जो सिग्नल होता है, वो जो इम्पल्स होता है, वो क्रूरा सेरिब्री से होते हुए गुजरता है। ठीक है, अगर आपको मैं फोटो से समझाने की कोशिश करूँ तो क्रूरा सेरिब्री जो होता है ये कुछ इस तरह की संरचना है, यहाँ पर वो बहुत क्लियर आपको देखने को नहीं मिलती है, यहाँ कहीं पर होती है, अब वो बहुत क्लियर देखने को नहीं मिलती है। तो ये वाला हिस्सा जो है, देखिए ये एक हेमिस्फीयर की तरफ ये जाएगा, ठीक, ये वाला हिस्सा जो है ये एक हेमिस्फीयर की तरफ जाएगा और ये दूसरी हेमिस्फीयर की तरफ, और दोनों के बीच में सिग्नल्स का आदान प्रदान जो होता है वो इसका काम होता है। तो क्रूरा सेरिब्री जो है उसका काम क्या है, सिग्नल्स को ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर के बीच में लेके जाना, ट्रांसफर करना। ठीक है, क्लियर, ठीक। अब देखिए इसके बाद कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना, मुझे बहुत अच्छी फोटो जो है बहुत क्लियरली मिली नहीं इसके लिए, और देखिएगा अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो आपको एक बार ब्रेन का स्टेम के साथ इस फोटो को देख लेता है। ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं, इस फोटो को इसके साथ देखने की कोशिश करते हैं। देखिएगा अब एक मिनट, ये फोटो को क्लीन करता है। अब देखिए ये ब्रेन स्टेम वाला हिस्सा है, ठीक है, ये ब्रेन स्टेम वाला हिस्सा है और इसी को हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। अब ब्रेन स्टेम वाले हिस्से में ये यहाँ पर उभार होते हैं जो कि बहुत क्लियर देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, अब उसी को थोड़ा सा मैग्नीफाई करके यहाँ पर दिखाया गया, तो अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा इसको मैग्नीफाई करता हूँ, मैं इसको बड़ा करने की कोशिश करता हूँ, ऐसे हाईलाइट करके, ठीक है, आपको इस तरीके की संरचना दिखनी चाहिए। ठीक है, ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर, वो जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना। अब कॉर्पोरा का मतलब होता है एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब हुआ उभार, क्वाड्री जेमिना का मतलब हो गया फोर, ठीक, क्वाड्री का मतलब क्या होता है फोर, चार एलिवेशंस, तो आपको चार एलिवेशन दिखेंगे, दो पूरे और ये एक तरफ से फोटो है तो दो आधे दिख रहे हैं, तो एक दो तीन चार, चार गोले मैंने बनाए क्योंकि वो बाहर की तरफ उभरे हुए हिस्से हैं, उभार वाला हिस्सा, एलिवेटेड पार्ट है, तो मिड ब्रेन में एलिवेटेड पार्ट होता उसको हम बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना। इन्हीं कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना को, इसी कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना को हम क्या बोलते हैं, कैलिक्यूलाई भी बोलते हैं। कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना को क्या और क्या कहते हैं, कैलिक्यूलाई या कैलिक्यूलस भी कहते हैं। ठीक है, अब अगर आपको समझ में आ रहा है तो दो ऊपर की तरफ है और दो नीचे की तरफ है, यानी तो यह दो कैलिक्यूलाई या दो कॉर्पोरा, कॉर्पोरा, ठीक है, तो कॉर्पोरा या कैलिक्यूलाई एक ही हुआ, तो दो जो है वो सुपीरियर है, दो जो है वो ऊपर की तरफ है, ठीक है, और दो जो है वो नीचे की तरफ है, दो इन्फीरियर है। यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है, हाँ, ठीक। अब कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना यहाँ पर आपको क्लियरली दिखेगा, ये थोड़ा डोर्सल हिस्से में होता है, डोर्सल पार्ट की तरफ होता है, पीछे की तरफ होता है, जो मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की है, एकदम जहाँ पर एलिवेटेड हिस्सा दिखने के थोड़े से चांसेस है वहाँ पर। अब इसके नीचे ये पॉन्स और मेड्यूला स्टार्ट हो जाएगा, है ना, इसके कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना के नीचे। तो एक बार इस फोटो को देख कर समझने की कोशिश करिए कि क्या हो रहा है। ठीक ठीक ठीक, चलिए अब देखिएगा। अब इसमें मैंने जैसे कि बोला दो सुपीरियर कैलिक्यूलाई या दो सुपीरियर कॉर्पोरा या दो सुपीरियर एलिवेशन होते हैं, दो सुपीरियर उभरे हुए भाग होते हैं। ठीक है, अब सुपीरियर कैलिक्यूलाई जो है वो ऑप्टिक सेंटर या ऑप्टिक पाथ का हिस्सा होता है। ठीक, सुपीरियर कैलिक्यूलाई यानी कि ऊपर के जो दो उभरे हुए हिस्से हैं ये ऑप्टिक पाथ के हिस्से होते हैं, यानी कि ये आँखों से जाने वाले सिग्नल को लेके जाते हैं ऑप्टिक लोब तक, ऑप्टिक सेंटर तक। ठीक है, अब देखिएगा कि अब इनका काम क्या है। आपने एक चीज सुनी होगी, रिफ्लेक्स एक्शन, सुनिए, रिफ्लेक्स एक्शन सुनी होगी, है ना, रिफ्लेक्स एक्शन या इसको हिंदी में प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि
आप बिना सोचे बिना समझे एक एक रिस्पॉन्स शो करते हैं किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट में, जिसमें ना तो आप किसी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, ना ही सोचते ना ही डिसीजन मेकिंग करते हैं, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। एक ऑटोमेटिक फास्ट और इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स अगेंस्ट एनी एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलाई इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, अब देखिए फॉर एग्जाम्पल, अब गाड़ी चला रहे हो बहुत स्पीड से, ठीक है, अब गाड़ी चलाते चलाते अचानक सामने कोई आ जाएगा तो अपने आप ब्रेक लगता है, पहले सोचते हो अरे कोई आ गया फिर ब्रेक लगाना पड़ेगा कि लगा दूँ कि नहीं लगाऊँ, नहीं सोचते ना, लेकिन एक्सेलरेट करने के पहले सोचते हैं कि अरे इधर एक ट्रक जा रहा है उसके बगल से मैं निकाल सकता हूँ कि नहीं, उधर स्पेस है या नहीं है, हाँ ये सारी चीज़ें आप सोच के एक्सेलरेट करते हो, लेकिन ब्रेक लगाना ऑटोमेटिकली होता है क्योंकि वो रिफ्लेक्स एक्शन है। क्रिकेट खेलते होंगे, क्रिकेट कभी ना कभी खेला होगा, बॉल अचानक से कोई बहुत जोर से मारता है सीधा आपका हाथ ऐसे सामने आ जाता है क्योंकि आपका वो रिफ्लेक्स एक्शन है। ठीक है, आपको पता है कि आपको करना क्या है उस समय, ठीक, तो इसको रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। हाँ, कोई ऐसे किसी चीज़ के ऊपर हाथ रख दो, वो गर्म है, गर्म जैसे ही चीज़ होती है अपने आप हाथ हटाते हो, हाथ हटाने के बाद आपको जलता और फील होता है कि गर्म है, आपको तुरंत समझ में नहीं आता, अगर आप सोचोगे हाथ रखने के बाद अरे ये तो गर्म है यार करके हाथ हटाओगे तब तक हाथ जल जाएगा, तो पहले आप एक्शन कर लेते हो उसके बाद सोचते हो कि हुआ क्या। इसीलिए कई बार क्या होता है, एक फनी सी सिचुएशन नहीं हो जाती कभी कभी कि जैसे किसी ने कभी ऐसे आपको डराने की कोशिश कर दी और आप डर गए, ठीक, कभी कोई ऐसी आवाज़ हुई जो बहुत कॉमन सी है लेकिन अचानक से होती है तो डर लगता है। जैसे मान लीजिए पीछे आप बैठे हुए हैं, अब पीछे मान लो कि बात आपकी मम्मी आती है, अभी घर पे बैठे हो गए ऐसा मैं मानता हूँ, यूट्यूब देख रहे हो या अगर आप पीजी में बैठ के देख रहे हो, तो आपका दोस्त आता है हाथ में कुछ रखा हुआ है और जैसे ही वो आता है वो उसके हाथ से छूट जाता है, बहुत जोर से आप डर जाते हो, ठीक है, हाँ, तो या आपको पता नहीं आप कोई ध्यान से पढ़ रहे हो देख रहे हो कोई वीडियो देख रहे हो और अचानक से कोई आपके कंधे पे हाथ रखे, आप बहुत जोर से डर जाते हो, तो ये क्या है, ये आपने सोचा नहीं। आप क्या करते हैं नॉर्मली कंडीशन में, एक ब्रेन को क्या करना चाहिए था, उसको पीछे देखना चाहिए था हुआ क्या, देखना चाहिए था कि अच्छा मम्मी है, मम्मी के हाथ से गिरा कोई बात नहीं, लेकिन आप पहले डर जाते हो बिना सोचे समझे, हाँ, तो इसको हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। अब वो फनी सी सिचुएशन हो जाती है, बहुत बार हम लोग एक दूसरे को चिढ़ाने भी लग जाते हैं लेकिन वो तो है नेचुरल रिस्पॉन्स है, ठीक है, अब इसको रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। आपको पता होगा कि सारे रिफ्लेक्स एक्शन को हमने बचपन में पढ़ा था कि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो सारे रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करती है, ये चीज़ आपने पढ़ी है बचपन में पढ़ी है, ठीक है, बात में बचपन में पढ़ी है। अब हम लोग ऐसा ये पढ़ते थे कि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो सिग्नल को पूरी बॉडी से इकट्ठा करती है और एक पाथवे है, स्पाइनल कॉर्ड क्या है, एक पाथवे है जो पूरी बॉडी से सिग्नल को इकट्ठा करती है और ब्रेन तक लेकर जाती है, और ब्रेन जो होता है उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद वो डिसाइड करता है कि अब इस इंफॉर्मेशन का क्या करना है, ठीक है, हाँ, अब उसके बाद ब्रेन सिग्नल भेजता है बॉडी पार्ट के लिए और वो सिग्नल जो है वो स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए आती है बॉडी पार्ट तक, ये हमने बचपन में सीखा था, लेकिन वो अब थोड़ा बड़ा होने के बाद कॉन्सेप्ट चेंज करना है, ठीक है, ऐसा नहीं होता। अब ब्रेन तक सिग्नल को जाने में लंबा टाइम लगता है, तो स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है, स्पाइनल कॉर्ड खुद ही डिसाइड कर लेती है, स्पाइनल कॉर्ड तक सिग्नल आता है और वहीं से सिग्नल वापस चला जाता है, तुरंत एक्शन हो जाता है और उसके बाद ब्रेन के पास पता चलता है कि अच्छा ये हुआ है भैया क्या हो गया, पता बताओ मेरे को भी बताओ क्या हो गया, ठीक है, तो ब्रेन को कोई परेशान नहीं करता उस समय, तो अपने आप होने वाला रिफ्लेक्स एक्शन ही, अपने आप होने वाला इनवॉलंटरी एक्शन ही रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। अब इसको स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है, तो मैं बोलूँ अगर 90% अगर रिफ्लेक्स एक्शन स्पाइनल कॉर्ड करती है तो बिल्कुल सही होगा, लेकिन कुछ रिफ्लेक्स एक्शन जो होते हैं वो मिडब्रेन कंट्रोल करता है और उसमें ये कैलिकुलाई और कॉर्पोरा का बड़ा इंपॉर्टेंट योगदान है, तो यहां पर मैं फंक्शन बताता हूं। दो सुपीरियर कैलिकुलाई जो कि ऑप्टिक पाथ का हिस्सा होते हैं, ये ऑप्टिक या विजुअल रिफ्लेक्स शो करते हैं, यानी कि आप किसी चीज को देखते हो और देखने के कारण रिफ्लेक्स आता है, जैसे कि आपको मच्छर काटा तुरंत मार दिए, कहीं चल रहे हैं कांटे के ऊपर पैर रखा तुरंत हाथ हटा लिए, कहीं पर हाथ रखा गर्म है उसको हाथ हटा लिए, तो अब ये जो है रिफ्लेक्स एक्शन है ये तो फीलिंग वाला है, स्किन से रिलेटेड है, आपने टच को प्रेशर को पेन को फील किया और रिफ्लेक्स एक्शन आया। अब कुछ रिफ्लेक्स एक्शन होंगे जैसे कि मान लो कि बात यही बॉल आ रही है आँख के सामने और आप हाथ ले आते हो, ठीक है, आपको मैं ऐसे एक्टिंग भी करेगा कोई ऐसे मारने की तो आपकी पलकें झपक जाती है, आपकी आँखों के सामने कोई अचानक से कोई कंकड़ आ जाता तो आपकी आँखें बंद हो जाती है, ये सारी चीज़
चीजें क्या हैं? आप देख के रिफ्लेक्स कर रहे हो ना, तो ये जो देख के रिफ्लेक्स एक्शन होता है ये दो सुपीरियर कैलिक्युलाई इसको कंट्रोल करते हैं, मतलब मिड ब्रेन जो है ऑप्टिक पाथ का पार्ट है। तो विजुअल रिफ्लेक्स जो होता है, मतलब देखने से जो रिफ्लेक्स एक्शन आता है उस रिफ्लेक्स एक्शन को मिड ब्रेन के दो सुपीरियर कैलिक्युलाई या दो सुपीरियर कॉर्पोरा जिनको हम कहते हैं वो कंट्रोल करते हैं। एक बार देख लीजिए, ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलिए। अब बाकी के क्या बचे? दो इन्फीरियर कैलिक्युलाई को देख लीजिए। दो इन्फीरियर कैलिक्युलाई, मैं इसको मार्क करता हूँ। देखिए ये इन्फीरियर वाले, ये रेड कलर के, ठीक है, इतना जो है ये दो इन्फीरियर कैलिक्युलाई है। अब ये जो ये दो इन्फीरियर कैलिक्युलाई है ये क्या होता है? ये ऑडिटरी पाथ के हिस्से हैं, ठीक है, ये क्या है? ऑडिटरी पाथ के हिस्से हैं। अब ऑडिटरी पाथ के हिस्से हैं तो क्या होगा? जैसा कि मैंने आपको रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में बताया, अब यहाँ पर एक नई चीज आएगी आपके पास, इसको बोलते हैं हम लोग स्टार्टल रिफ्लेक्स। आपने सुना है, कॉमन इंग्लिश वर्ड है स्टार्टल। ओ यू स्टार्टल्ड मी, ऐसा टाइप के सेंटेंसेस बोले हैं आपने कभी? स्टार्टल मतलब, स्टार्टल का मतलब होता है चौंकना, ठीक है। तो जो हम चौंकते हैं, चौंकने वाले जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, जो शॉक्ड वाले रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, उनको हम स्टार्टल रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। अब ये जो स्टार्टल रिफ्लेक्स एक्शन होता है, इसको दो इन्फीरियर कैलिक्युलाई जो है वो कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल, अब बैठे हुए पीछे, जैसे कि मैंने बोला मम्मी ने कुछ गिरा दिया और जोर से आवाज़ आई, तो सबसे पहले आप पीछे देखोगे या अपने आप को बचाने की कोशिश करोगे। जोर से बम फटेगा तो आप देखोगे भी नहीं, आप क्या करोगे, अपना सर वर ऐसे छुपाने की कोशिश करोगे, उसके बाद देखोगे पीछे भैया बम फटा, वो एटम बम था कि वो सुतली बम था, है ना। तो आप पीछे बाद में देखोगे, पहले अपने आप को क्या करोगे, बचाने की कोशिश करोगे। बहुत जोर से आवाज़ आती है, बहुत ही ज़्यादा जोर से आवाज़ आती है तो डर जाते हो, हाथ में कुछ रहता है वो छूट जाता है, ठीक है। हाँ, आप कान बंद कर लेते हो। ये सारे जो एक्शंस है अपने आप को बचाने के लिए, है ना, ये तो आपका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। ये जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है, ये ब्रेन के दो इन्फीरियर कैलिक्युलाई या जो दो इन्फीरियर कॉर्पोरा होते हैं वो कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया, मिड ब्रेन का दो मेजर पार्ट क्या हुआ? एक हुआ दो सुपीरियर कैलिक्युलाई जो कि विजुअल रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करेंगे, इसके अलावा दो इन्फीरियर कैलिक्युलाई जो कि कंट्रोल करेंगे ऑडिटरी पाथ के द्वारा स्टार्टल रिफ्लेक्स एक्शन को, यानी कि ऑडिटरी रिफ्लेक्स एक्शन को, ठीक है। चलिए अब लास्ट वाले क्लास में फोर ब्रेन में मैंने एक चीज नहीं बताई थी, वो छूट गई थी थोड़ी सी, वो अभी मेरे को याद आ रही है क्योंकि वो कहीं ना कहीं रिलेट होती है, ठीक है। आपने ग्रे मैटर और वाइट मैटर के बारे में सुना होगा, ग्रे मैटर और वाइट मैटर के बारे में सुना होगा, ठीक है। अब ग्रे मैटर और वाइट मैटर क्या होता है, कभी सुना है? देखिए क्या होता है, ग्रे मैटर ग्रे कलर का होता है, वाह सर क्या बात बताए, और वाइट मैटर जो है वाइट कलर का होता है, क्या बात कर रहे हो बताओ, येलो मैटर येलो कलर का होता है, उनको पता ही नहीं था। अरे पता था, इतना तो पता है भैया तुम लोग को, ग्रे मैटर ग्रे कलर का होगा, व्हाइट मैटर व्हाइट कलर का होगा, लेकिन भाई व्हाइट और ग्रे दिखते क्यों, ये बता रहा हूँ मैं भी भैया पढ़े लिखा आदमी हूँ, कैसा बात करते हो तुम। चलो देखो ये क्या है, अरे बहुत गंदा न्यूरॉन बन गया भैया, देखो ये क्या है, ठीक है, चलो अभी भी गंदा ही बना बट मान लो अभी यार, ये एक न्यूरॉन है, ठीक है, इस तरीके से न्यूरॉन है, ठीक, मान लोगे ना न्यूरॉन, ये अच्छे से बनाऊँ, चलो अच्छे से बनाते हैं भाई, चलो अच्छे से बनाते हैं, ठीक है, बहुत गंदा बन गया था, चलो देखते हैं। अब हम लोग बनाते हैं एक न्यूरॉन, ये कुछ ठीक है, ये ऐसा ठीक है, अब इन न्यूरॉन्स में हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है,
ठीक, ये वाला हिस्सा साइटॉन कहलाता है, ये वाला हिस्सा क्या है, साइटॉन कहलाता है, और ये वाला हिस्सा क्या है, एक्सॉन कहलाता है। ठीक है, ये साइटॉन एक्सॉन। तो सर ये तो हमको पता है, आप मेरे को ग्रे मैटर व्हाइट मैटर बता रहे थे, रुको ना भाई बता रहा हूँ ना। अब इस साइटॉन में मैंने न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में बताया था कि यहाँ पर पाए जाते हैं निस्सल ग्रेन्यूल। क्या पाए जाते हैं? निस्सल्स ग्रेन्यूल्स, निस्सल्स ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? निस्सल्स ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। और इसके अलावा देखिए, यहाँ पर देखिए, ये एक्सॉन के ऊपर में ऐसे माइलिन शीथ पाया जाता है। ठीक, यहाँ पर एक्सॉन के ऊपर में क्या है? माइलिन शीथ है। अरे वाह सर, ये तो पता ही नहीं था। अरे ये तो पता था यार, तुम रुको तो यार। चल ठीक, अब ये जो निस्सल ग्रेन्यूल होता है ये ग्रेइश अपीयरेंस देता है न्यूरॉन को, इतना हिस्सा जो है ग्रेइश दिखेगा। और माइलिन शीथ जो होता है, इसलिए मैंने इसको व्हाइट भी बनाया, ये व्हाइटिश अपीयरेंस देता है। ठीक है, तो अब जो सेरिब्रम का कॉर्टेक्स वाला हिस्सा है, मतलब कि फोर ब्रेन का सेरिब्रम, सेरिब्रम का कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स वाला जो हिस्सा है अब, और मेड्यूला वाला जो हिस्सा है, ठीक है, कॉर्टेक्स वाला हिस्सा है और मेड्यूला वाला हिस्सा है, वहां पर न्यूरॉन ऐसे अरेंज्ड है। तो इतना हिस्सा जो है, ठीक, इतना हिस्सा जो है इसको मैं लिख रहा हूँ, ये ग्रे कलर का दिखेगा, और इतना हिस्सा जो है ये वाइट कलर का दिखेगा, और ये जो है ऊपर वाला ये कॉर्टेक्स है, और नीचे वाला जो है वो क्या है, मेड्यूला है। ठीक है, ये क्या है, मेड्यूला है। ठीक है, ऊपर वाला क्या है, कॉर्टेक्स है, और नीचे वाला क्या है, मेड्यूला है। यानी कि जो फोरब्रेन का सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम का कॉर्टेक्स वाला हिस्सा ऊपर 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 पूरा ग्रे दिखेगा, और नीचे 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 पूरा वाइट दिखेगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि न्यूरॉन इस तरीके से अरेंज है कि ब्रेन के ऊपरी हिस्से में सारे न्यूरॉन के साइटॉन एक लाइन से हैं, और नीचे की तरफ सारे न्यूरॉन के जो एक्सॉन होते हैं वो एक लाइन से है। ठीक है, तो सेरिब्रम में इस तरीके से अरेंजमेंट है, ऊपर की तरफ पूरा साइटॉन साइटॉन, नीचे की तरफ पूरा एक्सॉन एक्सॉन। तो अब देखेंगे यहाँ पर कि ये जो फोटो बनी थी, यहाँ पर ये जो फोटो बनी थी कटी हुई, तो इतना जो कॉर्टेक्स हिस्सा है ऊपर का ये ग्रे कलर का दिखेगा, और ये जो मेड्यूला हिस्सा जो यहाँ पर ग्रीनिश टाइप का दिखा हुआ है ये व्हाइट कलर का दिखेगा। ठीक है, जितना कलर पार्ट ऊपर है वो ग्रे कलर का दिखेगा, नीचे का जो हिस्सा है वो व्हाइट कलर का दिखेगा। इसी को ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर बोलते हैं। ठीक है, मतलब कॉर्टेक्स को ही आप ग्रे मैटर बोल सकते हो, है नहीं बट बोल सकते हो। चलो, ग्रे कॉर्टेक्स को ग्रे मैटर बोल सकते हो, मेडुला को व्हाइट मैटर बोल सकते हो, बाहर बाहर ग्रे अंदर अंदर व्हाइट, और यही जस्ट ऑपोजिट हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड में जाते साथ। स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा तो ग्रे जो है अंदर हो जाएगा और व्हाइट जो है वो बाहर हो जाएगा, डायग्राम देखेंगे तो समझेंगे। ठीक है, अब ये जो एक्सॉन का ये सेट बन जाता है, ये एक्सॉन का सेट बनता है, इसको ट्रैक्ट कहते हैं, और ट्रैक्ट कहते हैं, और साइटॉन का ये जो गुच्छा बन जाता है इसको हम न्यूक्लियाई कहते हैं। ठीक, ऐसे याद रखिएगा, न्यूक्लियस होता है साइटॉन में, इसलिए न्यूक्लियाई। ठीक, साइटॉन में न्यूक्लियस होता है इसलिए न्यूक्लियाई कहते हैं, न्यूक्लियाई और ट्रैक्ट कहा जाता है। ठीक, अब ये चीज़ यहाँ पर क्यों बताया सर, मिड ब्रेन में काहे के घुसेड़ दिया इसको, इसीलिए क्योंकि मैं आगे अभी आपको बताऊंगा कि मिड ब्रेन में ट्रैक्ट और न्यूक्लियाई दोनों पाए जाते हैं। मिड ब्रेन में ट्रैक्ट और न्यूक्लियाई दोनों पाए जाते हैं, और वो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, इसलिए ग्रे और व्हाइट में डिस्टिंग्विश्ड नहीं होता है। ठीक है, बात समझ में आई? आपने एक और सुना होगा, गैंग्लियॉन। गैंग्लियॉन जो होता है सारे न्यूरॉन का एक साथ गुच्छा बन जाता है, यहाँ पर सारे न्यूरॉन जो है गुच्छा ना बना के एक लाइन से ग्रुप बनाए, जब ग्रुप बनाए तो ट्रैक कहलाएंगे, गुच्छा बनाएंगे तो गैंग्लियॉन, और न्यूक्लियाई क्या है, साइटॉन का ग्रुप। ठीक, तो मिड ब्रेन में क्या होता है, ट्रैक्ट और न्यूक्लियाई दोनों पाए जाते हैं। इसको एक बार देख लें। ठीक है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ आपके सफिशियंट
अमाउंट में देखने लायक। ठीक है, चलिए थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं। ये इसको यहाँ से उठाएंगे, इसको यहाँ पे लगाएंगे और इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा करेंगे। ठीक है, अब इसको आप देखिए एक बार, आपको समझ में आएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको पॉज करके नोट बनाना है, जैसा आपको करना है करके देखिए। ठीक है, चलिए 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 चलिए, मिड ब्रेन कंप्लीट हुआ, यहाँ पर मिड ब्रेन कंप्लीट हुआ। चलिए ठीक है, अब हम लोग कहाँ चलेंगे? अब हम लोग चलेंगे हाइंड ब्रेन की तरफ। कहाँ चलेंगे? हाइंड ब्रेन की तरफ। तो देखते हैं, देखिए सीधा हो जाए बस, देखते हैं। हाँ ये ठीक है, ये हाइंड ब्रेन की तरफ आता है। अब हाइंड ब्रेन का कौन सा हिस्सा है? ये पीछे की तरफ जो दिख रहा है ये, अच्छा दूसरे कलर से करें, इसमें दिखता नहीं है ना, वाइट कलर, रेड ठीक रहेगा क्या? ये वाला रेड अच्छा लग रहा है। ये जो हाइंड ब्रेन है, ठीक है, हाइंड ब्रेन यहाँ पर देखेंगे तो इतना हिस्सा है। ठीक है, इतना क्या है? हाइंड ब्रेन है, जितना यहाँ पर मैंने मार्क किया है। अब हाइंड ब्रेन में तीन मेजर पार्ट होते हैं, सेरिबेलम, पॉन्स और मेड्यूला। ठीक, सेरिबेलम, पॉन्स और मेड्यूला। अब हम शुरू करते हैं सेरिबेलम से। तो सेरिबेलम आपको ये यहाँ पर दिख रहा है, ये और ये यहाँ पर दिख रहा है, कट करने के बाद ये ऐसा दिखता है। ठीक है, ये सेरिबेलम वाला हिस्सा। सेरिबेलम जो होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सेरिबेलम क्या होता है? बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। देखो अब यहाँ पर आपको कैसे समझे, चलो ठीक है, वहाँ पहुँचेंगे तब देखते हैं। सेरिबेलम जो है वो इक्विलिब्रियम और बैलेंस का काम करता है। इक्विलिब्रियम और बैलेंस का काम करता है कौन? सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या करता है? इक्विलिब्रियम और बैलेंस का काम करता है। मतलब कि मैं ये जो सीधा खड़ा हूँ तो सेरिबेलम के कारण खड़ा हूँ। इसमें कान का भी योगदान है, लेकिन ब्रेन का जो पार्ट इस बैलेंस को बनाकर रखता है वो सेरिबेलम होता है। अब जब मैं यहाँ से यहाँ मूव करता हूँ, यहाँ से यहाँ मूव करता हूँ, तो मैं अपने बॉडी बैलेंस को मेंटेन करता हूँ, क्योंकि मैं ग्रेविटी के साथ चल रहा हूँ, ग्रेविटी के अगेंस्ट में चल रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। तो अपनी बॉडी के बैलेंस को सीधा रखना, पोस्चर को सीधा रखना, ये सारी चीज़ें कौन करता है? सेरिबेलम। आप सीढ़ी ऊपर चढ़ रहे हो, आपको लगता बड़ा आसान सा है, सिंपल सा है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हो, आप फिजिक्स के हिसाब से देखो, आप ग्रेविटी के अगेंस्ट में जा रहे हो, लेकिन आप स्ट्रेट चलते हो, आप हिलते डुलते नहीं हो। ठीक है, तो सेरिबेलम आपके बॉडी को स्ट्रेट रखता है। आप बैठते हो, उठते हो, एक पोस्चर में एक तरीके से उठते हो, एक तरीके से बैठते हो, किसी ना किसी मैनर में, चाहे वो कितना खराब हो कितना अच्छा हो, आपका एक बैठने का पोस्चर, एक कंफर्टेबल पोजीशन है, वो पोस्चर जो होता है वो सेरिबेलम के कारण आता है। तो सेरिबेलम जो है बॉडी पोस्चर और इक्विलिब्रियम। अच्छा, बॉडी पोस्चर लिखना भूल गए थे, तो बॉडी पोस्चर भी लिख देते हैं। अब ये जो होता है ये हाईली डेवलप्ड इन ह्यूमन होता है। ठीक है, कौन ये भैया? हाईली डेवलप्ड इन ह्यूमन। ठीक है, अब हाईली डेवलप्ड इन ह्यूमन होता है क्यों? इसका रीजन सोच के देखो आप एक बार, क्योंकि हम दो पैर पर चलते हैं, बिकॉज ऑफ बाइपेडल लोकोमोशन। बाकी जो जानवर होते हैं चार पैर पर चलते हैं, उनके बैलेंस बिगड़ने की, बैलेंस को बनाकर रखने की ज़्यादा टेंशन होती नहीं है, लेकिन क्योंकि हम दो पैर पर चलते हैं तो हमारे बॉडी के बैलेंस को खराब होने की ज़्यादा संभावनाएं होती हैं, ज़्यादा चांसेस होते हैं, और इसीलिए हमारे बॉडी का सेरिबेलम जो होता है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होता है। अगर आपको ब्रेन किसी का
पता करना है कि ये ह्यूमन का या नहीं, कई बार आपको दूसरे जानवर का ब्रेन से कंफ्यूजन हो सकता है। वैसे तो ये कोई नीट का क्वेश्चन है, बट मैं समझाने के लिए बता रहा कि सेरिबेलम अगर बहुत बड़ा है तो वो ह्यूमन ब्रेन होगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, हाईली डेवलप्ड होता है ह्यूमन में, इक्विलिब्रियम बॉडी के बैलेंस और बॉडी के पोस्चर को कंट्रोल करता है। यहाँ तक ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ पर वो चीज़ बहुत क्लियरली दिखाई नहीं गई है, यह आपको शायद दिखे ना यहाँ पर, ओहो यहाँ पर ऐसा इस तरीके से स्ट्रक्चर रहता है, जो व्हाइट कलर का है, इसको बोलते हैं आर्बर विटे। आर्बर विटे, इसको और दूसरे कॉमन लैंग्वेज में बोलेंगे ट्री ऑफ लाइफ, इसको ट्री ऑफ लाइफ बोलते हैं। अब ऐसा कोई लाइफ से रिलेटेड इसका काम नहीं है, बट इसको ट्री ऑफ लाइफ बोलते हैं क्योंकि ब्रेन में है और एक ट्री के समान दिखता है, ट्री ऑफ लाइफ। अब ये ट्री ऑफ लाइफ इसलिए बना है क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक्सॉन का ग्रुप, एक्सॉन ग्रुप है, इसलिए वाइट कलर का है। ठीक है, तो ट्री ऑफ लाइफ जो है वो वाइट कलर का है। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो ट्री ऑफ लाइफ आर्बर विटे, बस इतना याद रखिएगा, आर्बर है ना, ये आर है, आर्बर विटे को ट्री ऑफ लाइफ कहते हैं और सेरिबेलम में होता है और एक्सॉन के कारण वाइटिश अपीयरेंस देता है। बस इतना याद रखेंगे, काम हो जाएगा। आर्बर विटे से क्वेश्चन आए हुए हैं, आपके सिलेबस का पार्ट बहुत ज़्यादा है नहीं है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर परकिंजे सेल होते हैं। क्या होते हैं? परकिंजे सेल होते हैं। ठीक, परकिंजे सेल होते हैं। ठीक, परकिंजे सेल का क्या काम है? परकिंजे सेल जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन सिस्टम है। अब परकिंजे सेल, परकिंजे नाम आपको समझ में आ गया है कि कोई तो परकिंजे आदमी था, उसके नाम के ऊपर पड़ा है। ठीक है, तो ये इसका अलग से क्यों रखें? क्योंकि ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स नर्व सिस्टम है ब्रेन में, पूरे ह्यूमन ब्रेन में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन या कॉम्प्लेक्स नर्व जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? सेरिबेलम में, और उन क्लस्टर्स को एक साथ कहा जाता है परकिंजे सेल्स, और वहाँ पर आर्बर विटे। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा क्या रखेंगे? सेरिबेलम इज कॉल्ड लिटिल ब्रेन। ठीक, लिटिल ब्रेन। अब इसका रीज़न क्या है? इसका रीजन तो सबसे पहला है, इट इज सेकंड लार्जेस्ट पार्ट। ठीक, इसमें आपको गायराय सल्काई मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे ग्रे वाइट मैटर मिलेगा, ग्रे और वाइट मैटर मिलेगा। तो ये कुछ एक रीजन है जिसके कारण हम लोग सेरिबेलम को क्या बोलते हैं? लिटिल ब्रेन बोलते हैं, क्योंकि ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है। सबसे आसान तो यही एक एक्सप्लेनेशन है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिटिल ब्रेन। इसमें भी गायराय और सल्काई होते हैं, क्योंकि ब्रेन का हमारा जो एक इमेज है वो गायराय और सल्काई का ही है। ब्रेन अगर आपको बोले कि ब्रेन बनाओ तो आप यही इसी चीज को इमेजिन करते हो। ठीक है, यहाँ तक ठीक। सेरिबेलम हो गया, बहुत सिंपल सा था, कोई दिक्कत नहीं थी। दो चीज़ें बची हमारी, क्या क्या चीज़ें बची? एक बच्चा पॉन्स। ठीक है, अब पॉन्स मेडुला देखिएगा, अगर आपको ध्यान से समझ में आए, इतना हिस्से को हम पॉन्स कहेंगे। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये रेड कलर बना दे रहा हूँ यहाँ पे, ये है पॉन्स, और ब्लू कलर बना दे रहा हूँ, ये है मेडुला। ठीक है, जो रेड कलर है वो पॉन्स है और जो ब्लू कलर है वो मेड्यूला है, और कोई नहीं, कुछ नहीं होता अलग से। और उसके जस्ट नीचे क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। अब पॉन्स जो होता है, अच्छा आपको मैंने स्क्रीनशॉट का मौका नहीं दिया, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट आराम से बैठ के ले लीजिए। चलिए, ठीक है, अब हम लोग कहाँ पहुँचते हैं? पॉन्स में पहुँचते हैं। ठीक है, चलो पॉन्स में पहुँचते हैं। अब पॉन्स क्या है? पॉन्स जो होता है इसका मतलब होता है ब्रिज। ठीक है, पॉन्स का मतलब क्या है? ब्रिज। ब्रिज मतलब दो चीजों को जोड़ने वाला, पुल जिसको आप बोलते हो। ठीक है, अब ये क्या करता है कि पूरे ब्रेन में अलग अलग सेंटर है। देखिए मैं आपको एक सिंपल सी चीज बोलता हूँ कि आपको मैं पूछूं आपकी मम्मी का नाम क्या है, आपने पिछला चैप्टर में पढ़ा, पिछले वाले लेक्चर में देखा आपकी मम्मी का नाम क्या है, तो जैसे ही मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, ये क्वेश्चन जो साउंड जो है आपके ऑडिटरी सेंटर में जाता है, ऑडिटरी सेंटर के बाद ये लैंग्वेज सेंटर में जाता है, क्योंकि जो क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन
आप उस वर्ड्स को समझ पा रहे हो या नहीं, प्रोसेस कर पा रहे हो नहीं, ये लैंग्वेज सेंटर में जाएगा। ठीक है, यही चीज़ अगर मैं जैपनीज, जर्मन, चाइनीज में बोल देता, पॉलिश में बोल देता, कोरियन में बोल देता, तो आपको समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो लैंग्वेज आपके ब्रेन में स्टोर्ड नहीं है। आपकी मदर टंग होगी इंग्लिश होगी, हिंदी होगी, इसके अलावा आपने कोई और लैंग्वेज सीख ली हो तो वो होगी। ठीक है, तो उन लैंग्वेज में से कोई लैंग्वेज के ये सेंटेंसेस हैं या नहीं, ये चेक करने के लिए उनको वर्निकल सेंटर में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑडिटरी सेंटर, फिर वर्निकल सेंटर में प्रोसेसिंग होता, वर्निकल सेंटर के बाद जाता है ये मेमोरी सेंटर में, क्योंकि अब क्वेश्चन आप समझ गए हो, आपकी मम्मी क्या करना है, आपको नाम याद करना, आप मानो या ना मानो ब्रेन को नाम याद करना पड़ता है। ठीक है, आपको भले जवानी याद है, बहुत रटा हुआ है, लेकिन वो याद करना पड़ता है ब्रेन को। अब जैसे ही आपको मैं मम्मी बोलता हूँ तो आपके दिमाग में अपनी मम्मी की एक इमेज आती है। ठीक है, जैसे मैं मम्मी बोलता हूँ, मेरे को अपनी मम्मी की इमेज दिखती है, आपको अपनी मम्मी की इमेज दिखती है, सबको अपनी मम्मी की इमेज दिखती है। ठीक है, तो ये इमेज कहाँ से आती है, ये आती है मेमोरी सेंटर से, तो मेमोरी सेंटर भी काम करेगा। इसके बाद फिर आप याद करोगे नाम को, है ना, फोटो के साथ उस इमेज के साथ एक नाम को जोड़ोगे और उस नाम को फिर अब बोलोगे बोलने के लिए। ब्रोका सेंटर होता है जो कि स्पीच करता। तो आपने देखा एक सिंपल से क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कितना सारा है। अब जब टंग को हिलाना है तो सेरिब्रम भी टंग को हिलाएगा, तो बहुत सारी चीजें एक साथ काम करती है। तो सिग्नल रिले होता है एक ब्रेन पार्ट से दूसरे ब्रेन पार्ट, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, तब जाके हम एक छोटा सा काम कर पाते हैं। और ये काम जो है वो पॉन्स करता है, यानी कि एक ब्रेन के पार्ट से सिग्नल को दूसरे ब्रेन पार्ट तक पहुंचाने का काम पॉन्स का होता है। ठीक, ट्रांसफर सिग्नल टू वन ब्रेन पार्ट फ्रॉम अनदर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसमें पॉन्स में आपको यही याद रखना है, इसमें जब हम रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे तो इसमें दो सेंटर पढ़ेंगे, एपन्यूस्टिक एरिया और न्यूमोटैक्सिक एरिया, दोनों एरिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि इसका रेस्पिरेशन में भी कहीं ना कहीं हाथ होता है। बस इतना याद रखिएगा, काफ़ी है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। आगे कहाँ पर चलते हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे मेड्यूला एम्ब्लोंगेटा के बारे में, जो कि हमारे ब्रेन का लास्ट पार्ट है। ठीक, हम पढ़ेंगे मेड्यूला एम्ब्लोंगेटा के बारे में। अब ये जो मेड्यूला एम्ब्लोंगेटा होता है, ये क्या होता है, इसको आप कॉमनली मेड्यूला तो बोल सकते हो, ये लास्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है और ये इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। ठीक है, ठीक, यहाँ तक क्लियर। इट सेपरेट्स From spinal cord at foramen magnum। अब ये नया आ गया, देखो ये तीन लाइन समझाता हूँ। पहले तो मैं ये लिख इसलिए दिया ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेके बाद में लिखना हो तो लिख सको, है ना। हर चीज़ लेक्चर नोट तो नहीं बनाई जा सकती, बहुत सारी चीज़ें बनाई सकती है, बहुत सारी चीज़ें नहीं बनाई जा सकती। राइटिंग खराब है बट आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला है। अब देखिए क्या है, मेड्यूला लास्ट पार्ट है ब्रेन का, जैसे मैंने बोला ब्रेन से कंटिन्यू दिखता है, कंटिन्यू होता है जो स्पाइनल कॉर्ड होता है। अब इस फोटो में देखिए, ये आखिरी का मेड्यूला, यहीं से जस्ट नीचे क्या है, ये यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड होगा, है ना, जो ब्लू के जस्ट नीचे स्पाइनल कॉर्ड होगा। अब ये जो स्पाइनल कॉर्ड होता है कंटिन्यू होता है, ठीक है, तो कहाँ पर सेपरेशन मानेंगे, तो जो खोपड़ी होती है वहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड के निकलने के लिए छोटा सा होल होता है, उसको फोरामेन मैग्नम बोलते हैं। फोरामेन का मतलब बॉडी में ऐसा कोई हिस्सा जो किसी के आने जाने के लिए जगह खाली छोड़ दी गई होगी, तो वो फोरामेन है। ठीक है, फोरामेन और भी जगह मैंने, जैसे कि टूथ में एपिकल फोरामेन होता है, दांत के नीचे जो रूट होता है वहाँ पर छोटा सा होल होता है ताकि वहाँ रूट के अंदर में आर्टरीज और वेंस जा सके, उसको एपिकल फोरामेन कहते हैं। वैसे ही फोरामेन मैग्नम होता है, तो खोपड़ी में एक नीचे खोपड़ी, यहाँ नीचे की तरफ जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड जाके फिट हो रही है वहाँ पे एक गोल खाली जगह है, उसको फोरामेन मैग्नम कहते हैं। वहीं पर जो है मेड्यूला खत्म होता है और उसके आगे जो है स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो मेड्यूला जो है वो सेपरेट होती है स्पाइनल कॉर्ड से फोरामेन मैग्नम में। ठीक है, लास्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है, ये भी समझ में आ गया, इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करती है। कैसे कैसे इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करती है, ये कंट्रोल करती है आपके सलाइवेशन को, ठीक है, ये कंट्रोल करती है डाइजेशन को, ये कंट्रोल करती है हार्ट बीट को, ये कंट्रोल करती है ब्लड प्रेशर को, ये कंट्रोल करती है ब्लड प्रेशर लिखना है तो दे भाई कितना जल्दी बोल रहा है खुद। अब ये कंट्रोल करती है इसके अलावा आपकी बॉडी में वॉमिटिंग को, ठीक है। तो ये जो बेसिक सी चीज़ें हैं इसको कौन कंट्रोल करता है,
इसको मेडुला ऑब्लॉन्गेटा जो है वो कंट्रोल करता है। इसके अलावा स्नीजिंग, इसके अलावा हिकप्स, इसके अलावा कफिंग, ये जो चीज़ें हैं इसको मेड्यूला कंट्रोल करता है। यानी कि सलाइवा का बनना, डाइजेशन का होना, हार्ट बीट होना, ब्लड प्रेशर मेंटेन होना, रेस्पिरेशन होना, इसके अलावा छींकना, खांसना, हिचकना या उल्टी आना, ये सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करेगा? मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा कंट्रोल करेगा। ठीक है, बस इतना ही याद आपको रखना है, पोजीशन याद रखना है। ब्रेन स्टेम का पार्ट मेड्यूला, पॉन्स और मिड ब्रेन होते हैं। मैंने फोर ब्रेन से शुरू किया था, जहाँ पे वॉलंटरी एक्शंस कंट्रोल हो रहे थे, मेमोरी कंट्रोल हो रही थी, पर्सनालिटी कंट्रोल हो रही थी, बेसिक जो फंक्शंस है वो कंट्रोल हो रहे थे। मिड ब्रेन जो है वो जोड़ने का काम करता है, इसके अलावा वो क्या करता है, रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है। हाइंड ब्रेन में ज़्यादातर इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं, बॉडी पोस्चर कंट्रोल होता है। इसके बाद स्पाइनल कॉर्ड बचेगा, जो कि हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। क्रेनियल नर्व्स के बारे में पढ़ेंगे, स्पाइनल नर्व्स के बारे में पढ़ेंगे, क्रेनियल नर्व्स के नाम याद करेंगे, उनका फंक्शन याद करेंगे, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, ये सारी चीज़ें आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे। मुझे लगता है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ वो अंगूठा एक बार ज़रूर दिखा दीजिएगा। ठीक है, और आने वाले वीडियोज़ का इंतज़ार करिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, जितने लोगों के साथ हो सकता है शेयर करिए, हमारे चैनल के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, अपनी सारी बातें कमेंट में आप बता सकते हैं, हम कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कभी कभार छूट जाए किसी व्यस्तता के चलते, अदरवाइज हम अगर आप दो तीन वीडियोस में कमेंट करेंगे तो कभी नहीं छूटेगा। हो सकता है एक आध वीडियो में छूट जाए, अदरवाइज हम रोज़ बैठकर कमेंट्स को रिव्यू करते हैं। आपको डाउट है तो पूछिए, कुछ अच्छी बातें हैं बताइए, ज़रूर बताइए, ताकि हम मोटिवेट होते रहें, और शेयर करते रहिए जैसे कि मैंने बोला। अपना ख्याल रखिए, खूब मस्ती करिए, थोड़ी बहुत पढ़ाई ज़रूर करिएगा, सबका ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, मौज में रहिए, अगले वीडियो का इंतज़ार करिए, और आज के लिए थैंक यू वेरी मच।